वंदे मातरम साथियों, आज हम पौधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो पौधा है वो है, इसको आप पहले तो कोशिश करें कि इसको पहचानें। इसकी मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। इसकी हमेशा तीन पत्तियाँ हैं, वो एक साथ आपको मिलेगी कहीं भी। आप पूरे पौधे में आप कहीं भी देखेंगे तो इसमें जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी जैसे तीन पत्तियाँ हैं वो एक साथ है। इसी तरह से कोई भी पौधा आप या कहीं भी भाग आप देंगे, हमेशा इसकी तीन पत्तियाँ हैं वो आपको साथ में दिखेगी। जैसे यहाँ है, यहाँ भी आपको ये तीन पत्तियाँ हैं वो इसके साथ में दिखेगी। इस तरीके से ये जो तीन पत्तियाँ हैं वो अब यहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो तीन तीन पत्तियाँ इसमें साथ दिखेगी। और इसमें सबसे दूसरी विशेषता इसकी कि इसमें कांटे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही तेज़ कांटे होते हैं, जैसे बबूल वगैरह में होते हैं, उसकी तरह इसमें कांटे होते हैं। और बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। आशा करता हूँ आपको इसका नाम पता चल गया होगा। इसका नाम है बेलपत्र। ये बेलपत्र या इसको बेल भी कहते हैं। ये शानदार पौधा है और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। खास करके भगवान शिव को इसके जो बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, विशेष रूप से सोमवार को और श्रावण मास में तो विशेष रूप से। अब इसकी दूसरी विशेषता है कि इसके ऊपर जो फल लगते हैं, बड़े बड़े फल लगते हैं और जिसको बेल कहते हैं, वो इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और जब भी गर्मियों में इसका अगर शरबत बनाया जाए तो बहुत ही ठंडक प्रदान करता है, गर्मी से राहत दिलाता है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये इसका काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। और जैसे अभी इसका जो तना है वो मध्यम आकार का है, यानी इसकी हाइट अभी ठीक से रहे 4-5 फीट से या 6-7 फीट तक होगी, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा इसका पेड़ है वो भी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका अच्छा फल है, धार्मिक महत्व भी ज़्यादा है। और इसकी जो पत्तियों की जो विशेषता है कि इसमें तीन पत्तियाँ अक्सर होती है। कुछ बिरले पौधे इसके होते हैं जिसमें 5 पत्तियाँ मिलेगी आपको, लेकिन सामान्य रूप से आपको 3 पत्तियाँ ही इसमें साथ में मिलेगी। तो ये इसका जो तना है, इस तरह का मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो आप देखेंगे तो ये इसका जो तना है, और ये तना है जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा इसका तना है मोटा होता जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो इस तरह के जो कांटे हैं बहुत तेज़ धार वाले कांटे होते हैं, तो इसको भी अक्सर है वो जानवर वगैरह है वो नहीं खा पाते, क्योंकि इतने खतरनाक कांटे होते हैं कि एक बार चुभ जाए तो आपका खून निकल जाएगा। तो ये इसके प्रकृति ने इसको अपनी रक्षा के लिए जो कांटे प्रदान किए हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी बेलपत्र के पौधे के बारे में। पौधा क्या, इसका तो पेड़ होता है। तो ये सामान्य जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।